कैथोड रे ट्यूब मींस टू से सीआरटी। सीआरटी एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होती है। सबसे पहले हम इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन गन और कैथोड कंजिस्ट होता है। कैथोड जो कि इलेक्ट्रॉन गन को हीट अप करता है, ये बीच में कैथोड होता है, ये इलेक्ट्रॉन गन को हीट अप करता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। ये होती है हमारी ग्रिड। ग्रिड उन्हें एक्सेलरेट प्रोवाइड करती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसमें ग्रिड में एक स्मॉल होल होता है, वैसे तो ये मेटल की होती है लेकिन इसमें एक स्मॉल होल होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं टूवर्ड। नेक्स्ट इसके थ्री एक्सेलरेट मोड्स होते हैं। एक होता है प्री एक्सेलरेट एनोड, एक होता है फोकसिंग एनोड और थर्ड होता है एक्सेलरेटिंग एनोड। ये इलेक्ट्रॉन्स को पाथ प्रोवाइड करते हैं, एक सेंटर पाथ प्रोवाइड करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन सेंटर से मूव कर सके विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, ताकि वो अपने वे से सेपरेट ना हो जाए, इसलिए एक एक्सेलरेटिंग पाथ प्रोवाइड करते हैं। और इसमें टू प्लेट्स होती हैं जिन्हें वर्टिकल प्लेट्स कहते हैं और टू प्लेट्स जिन्हें हॉरिजॉन्टल प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स क्या करती हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमारे ग्रिड कैथोड से आते हैं उनको मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं। एंड में हमारी एक फॉस्फोरस स्क्रीन होती है। ये फॉस्फोरस स्क्रीन जिस पे हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है जो आते हैं इस पे स्ट्राइक करते हैं, और ये प्लेट इन प्लेट्स का वर्क होता है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है उन्हें कहाँ पे फॉल करवाना है फॉस्फोरस स्क्रीन पे, अप डाउन राइट और लेफ्ट, जिस भी डायरेक्शन में इन्हें एमिट करवाना है इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन बीम को फॉल करवाना है उसकी डायरेक्शन को ये सेट करती हैं। अब हम देखते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। कैथोड रे ट्यूब जिसमें ये होता है हमारा हीटर। हीटर क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करना। जो कैथोड होता है उसको क्या करता है, हीट अप करता है। जो हमारे कंट्रोल और इसके आगे कंट्रोल ग्रिड जुड़ी होती है, ये क्या करती है, फोकस करती है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से प्रोड्यूस होते हैं उन्हें फोकस करती है एनोड की तरफ और उन्हें एनोड की तरफ एक्सेलरेट करवाती हैं। कैथोड जो हमारी होती है, यहाँ पे ये जो कैथोड है ये एक निकल का सिलेंडर होता है जो कोटेड होता है, जो ऑक्साइड कोटेड होता है, जो कि बेरियम या किसी भी और एलिमेंट का हो सकता है। इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना जब भी हीट प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारे कंट्रोल ग्रिड होती है ये भी एक मेटल सिलेंडर होती है जो कि एक साइड से कवर होती है लेकिन इसके बीच में एक छोटा सा होल होता है। ये होल इलेक्ट्रॉन्स को पास करवाने का काम करता है। ग्रिड का जो पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। कैथोड के कंपैरिजन में पोटेंशियल नेगेटिव होता है। और इसमें थ्री एक्सेलरेटिंग पार्ट्स लगे होते हैं। सबसे पहले होता है प्री एक्सेलरेटिंग एनोड जो कि एक होलो सिलेंडर होता है, होलो सिलेंडर की शेप में होता है। और इसका जो पोटेंशियल होता है ये फ्यू हंड्रेड वोल्ट्स का होता है जो मोर पॉजिटिव होता है कैथोड के कंपैरिजन में। और इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो कि एक्सेलरेट करवाती है इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अनदर टू एक्सेलरेटिंग पार्ट्स हैं, एक दूसरा है फोकसिंग एनोड और थर्ड है एक्सेलरेटिंग एनोड। ये भी होलो सिलेंडर होते हैं जो दोनों साइड से जिनमें होल होते हैं। इनका काम भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को पाथ प्रोवाइड करना और एक पर्टिकुलर एक्सेलरेट स्पीड प्रोवाइड करना। ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करते हैं और उन्हें एक स्पीड प्रोवाइड करते हैं। हाँ, इससे नेक्स्ट पार्ट होता है वर्टिकल डायरेक्शन प्लेट्स। इसमें टू वर्टिकल डायरेक्शन प्लेट्स यूज की गई हैं। ये प्लेट जिनको वाई प्लेट्स भी बोला गया है या वाई डायरेक्शनल प्लेट्स बोला गया है। इसमें क्या होता है कि इन दोनों प्लेट्स का काम क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन बीम जो आती है उसको अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना। अगर अपर वाली प्लेट का पोटेंशियल मोर पॉजिटिव है लोअर वाली प्लेट के कंपैरिजन में तो इलेक्ट्रॉन बीम अपर डायरेक्शन में मूव करती है, और अगर लोअर प्लेट का पोटेंशियल मोर पॉजिटिव होता है अपर प्लेट के कंपैरिजन में तो इलेक्ट्रॉन बीम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, स्ट्राइक करती है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्लेट जिन्हें
एक्स प्लेट या एक्स डायरेक्शनल प्लेट्स भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जो वर्टिकल प्लेट्स होती हैं अपवर्ड और डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाती हैं, और हॉरिजॉन्टल प्लेट्स का काम क्या होता है, राइट और लेफ्ट में मूव करवाना। अगर ये जो बैकवर्ड वाले प्लेट है अगर ये मोर पॉजिटिव होगी तो ये राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाएगी, और अगर फ्रंट वाली प्लेट मोर पॉजिटिव होगी तो ये क्या होगी, फ्रंट में यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाएगी। इस तरह से लास्ट में एक फॉस्फोरस स्क्रीन होती है, इस तरह से ये क्या करती हैं, कंप्लीट स्क्रीन पर स्ट्राइक करती हैं और एक ब्राइट पिक्चर प्रोड्यूस करती हैं। अगर हम इसकी वर्किंग देखते हैं, इसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग जब कैथोड हीटर से हीटअप प्रोड्यूस होता है, कैथोड हीट होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट होते हैं। कंट्रोल ग्रिड उन्हें फोकस करता है, जो कि इसमें एक छोटा सा होल होता है, इसमें से पास करते हुए ये इलेक्ट्रॉन्स प्री एक्सेलरेटिंग फोकसिंग एनोड और एक्सेलरेटिंग एनोड में से पास होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स ये थ्री पार्ट्स क्या करते हैं, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और उन्हें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सके। नेक्स्ट है वर्टिकल डायरेक्शन प्लेट्स, जो कि अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स बीम को फॉल करवाते हैं, जो हमारी लास्ट में फॉस्फोरस स्क्रीन है। इसमें से पास करते हुए ये हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेट्स में से जाते हैं, और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स हमारी फॉस्फोरस स्क्रीन पर स्ट्राइक करते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन्स इस स्क्रीन पे स्ट्राइक करते हैं तो ये क्या करती है, लाइट को एमिट करना स्टार्ट करती है। इसे फ्लोरोसेंट स्क्रीन या फॉस्फोरस स्क्रीन कहते हैं, क्योंकि ये जब भी इलेक्ट्रॉन्स पे स्ट्राइक करते हैं तो ये लाइट एमिट करते हैं, एक पिक्चर प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह इसलिए इसे इस यहाँ पे फॉस्फोरस एक ऐसा सब्सटेंस है जो लाइट को एमिट करता है, एक पर्टिकुलर स्क्रीन प्रोड्यूस करता है और कलर्स प्रोड्यूस करता है। और ये जो लाइट्स प्रोड्यूस होती है ये डॉट्स की फॉर्म में होती है। यह है हमारी कैथोड रे ट्यूब।